सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्टोक। अब समय हो चुका है TNT चैंपियनशिप के मैच का, यानी कि लैडर्स मैच का, तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सली वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइज, अभी अनाउंस हुआ है कि नेक्स्ट मैच हमें TNT चैंपियनशिप के लिए लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है। TNT चैंपियनशिप के लैडर्स मैच से पहले हमें वीडियो पैकेज दिखाया जा रहा है कि कैसे रेटेड आर सुपरस्टार एडम कॉपलैंड अपना TNT चैंपियनशिप को वैकेंट करते हैं। अब गाइज, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डबल और नथिंग 2024 में रेटेड आर सुपरस्टार एज इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से वो अपना TNT चैंपियनशिप को यानी कि वैकेट कर देते हैं। और उनका अभी जो सर्जरी हुआ, अभी से कुछ दिन पहले सर्जरी के कारण से वो अभी नहीं आ रहे हैं ऑल रेसलिंग में। उसके बाद गाइज, हमें TNT चैंपियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट देखने को मिलता है। टूर्नामेंट में काफ़ी सारे फाइट करते हैं, और जो AEW के, जो आप ये बोल सकते हो कि EVP हैं यानी कि यंग वर्क्स, वही इस वाले टूर्नामेंट को अनाउंस करते हैं। तो गाइज, वीडियो पैकेज में अभी कुछ यही चीज़ दिखाया जा रहा है। और कार्ड की बात कर ली जाए, जो कि हमें सिक्स पैक का लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है TNT चैंपियनशिप के लिए। मार्क ब्रिस्को वर्सेस नोकुशिका टाकिस्टा वर्सेस जैक पेरी, जंगल बॉय वर्सेस रस वर्सेस डांटी मार्टिन वर्सेस किसी और के बीच में नहीं गाइस, एक और सुपरस्टार के बीच में होने वाला है। तो देखना काफ़ी बेहतरीन रहेगा कि इस वाले लैडर्स मैच को कौन जीतता है। मेरे ख्याल से जैक पेरी जंगल बॉय इस वाले मैच को जीतने वाले हैं, वो हमारे न्यू TNT चैंपियन बनेंगे AEW के फॉरबिडन डोर 2024 में।